अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूँ फरहा एंड वेलकम टू माय चैनल फूड ट्यूब विद फरहा। दोस्तों, अरबी खाने के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। अरबी में सोडियम अच्छी क्वांटिटी में होता है, जो ब्लड प्रेशर और दिल से जुड़ी बीमारियों में मदद करता है। इसमें फाइबर भी बहुत पाया जाता है, जिससे कि वेट लॉस में मदद मिलती है। शुगर के पेशेंट्स के लिए भी अरबी फायदेमंद है और ये डाइजेस्टिव सिस्टम को भी अच्छा रखती है। कैंसर के पेशेंट्स के लिए भी अच्छी है, क्योंकि कैंसर सेल्स को बढ़ने से रोकती है। अरबी में विटामिन ई और सी दोनों होते हैं, जो इम्यून सिस्टम को अच्छा रखते हैं, जिसकी आजकल हमें बहुत ज्यादा जरूरत है। इसमें प्रोटीन भी होता है और ये आंखों के लिए भी बहुत अच्छी है। और भी बेशुमार फायदे हैं अरबी खाने के, तो चलिए आज बनाते हैं अरबी की सब्जी। कढ़ाई में मैंने 1/4 कप सरसों का तेल रखा है गर्म करने के लिए। आप अपनी चॉइस का कोई भी ऑयल यूज़ कर सकते हैं। तेल गर्म हो चुका है, अब इसमें आधा चम्मच राई और 1 चम्मच जीरा ऐड कर दूंगी मैं, और इसे कुछ सेकंड्स के लिए फ्राई कर लेंगे। अब इसमें मैं 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्च और 1 चम्मच हल्दी पाउडर ऐड कर दूंगी, कुछ सेकंड्स के लिए फ्राई करेंगे। अब इसमें मैं अरबी ऐड करूंगी। ये 500 ग्राम अरबी है, जिसे मैंने छील लिया है और इस तरह से स्लाइसेस में कट कर लिया है। ये कच्ची अरबी है, इसे बॉईल नहीं किया है मैंने, और अब हम इसे 2 मिनट तक इसी तरह से फ्राई करेंगे। अब इसमें नमक ऐड कर देंगे, नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करें। अब अच्छी तरह से मिक्स कर दें और इसे ढक देंगे हम, और 5 मिनट तक स्लो फ्लेम पर पकने देंगे। लगभग 5 मिनट हो चुके हैं, एक बार चला देंगे सब्जी को। अब इसमें करी पत्ता ऐड करेंगे, आप चाहें तो स्टार्टिंग में तड़के के साथ ही ऐड कर सकते हैं करी पत्ता। अब इसमें मैं 3 मीडियम साइज के बारीक कटे हुए टमाटर ऐड कर दूंगी और इन्हें अच्छी तरह से मिक्स कर दूंगी। फिर से मैं इसे कवर करके 5 मिनट के लिए कुक करूंगी स्लो फ्लेम पर। 5 मिनट हो चुके हैं, चेक करते हैं। ये देखिए, जो भी पानी टमाटर से निकला था वो सूख चुका है। अब हम इसे चेक करते हैं, अभी गली नहीं है अरबी। अब मैं इसमें 1 कप पानी ऐड कर दूंगी, मिक्स कर देंगे इसके बाद। फिर से कवर करेंगे और पानी सूखने तक इसे हम कुक करेंगे। ये देखिए, सब्जी का पानी सूख चुका है, एक बार इसे चेक कर लेते हैं। ये देखिए, अच्छी तरह से गल गई है। अब मैं इसमें 1 पैकेट मैगी मसाला ऐड करूंगी, ये ऑप्शनल है। आपको अगर इसका टेस्ट अच्छा लगता है तो आप इसे डालें, वरना स्किप कर दें ये स्टेप। अब अच्छी तरह से मसाला मिक्स कर देंगे। अब लास्ट इसमें हम हरा धनिया ऐड करेंगे, मिक्स करेंगे। सब्जी रेडी हो चुकी है, गैस ऑफ कर देंगे और इसे कवर करके 10 मिनट तक इसी तरह से छोड़ देंगे। उसके बाद आपको डिश आउट करके दिखाएंगे। रेडी है ये अरबी की सूखी सब्जी। आप इसे रोटी या पराठे के साथ सर्व कर सकते हैं। एक बात और, यूं तो अरबी खाने के बहुत फायदे हैं, पर आप इसे बहुत ज्यादा नहीं खाइएगा। हफ्ते में 1 से 2 बार आप इसे खा सकते हैं। ज्यादा खाने से आपको पथरी की प्रॉब्लम भी हो सकती है। कैसी लगी आपको मेरी ये रेसिपी, मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आपने मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज उसे सब्सक्राइब कर लें, ताकि मेरे वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंच सकें। फिर मुलाकात होगी आपसे एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाजत दें। अल्लाह हाफिज, बाय बाय।